तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू कुशवाहा टेक पर। तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ बहुत ही यूजफुल है बाकी सभी यूट्यूबर के लिए और बाकी जो वीडियो एडिटिंग करते हैं उनके लिए। तो उनके लिए हम क्या वीडियो लाया है आपको हम बता देना चाहते हैं कि काइन मास्टर में वीडियो को बैकग्राउंड को कैसे रिमूव किया जाए या कह सकते हैं चेंज किया जाए। तो आपको हम आज इस वीडियो में यही आपको बताएंगे कि कैसे, सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट लगेगा और आप आराम से किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड आराम से चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा तो आपको हम वीडियो में आगे आपको बतलाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें और चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको यहाँ पर शो होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कैसे क्या था। चलिए हम आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको बगल में शो होगा तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। तो वीडियो को बैकग्राउंड चेंज करने के से पहले आपको सबसे पहले आपको काइन मास्टर डाउनलोडिंग कर लीजिएगा जो नहीं डाउनलोडिंग किए हैं। तो जो बहुत के फोन में जो एडिटिंग करते हैं उनके पास तो काइन मास्टर पहले से अवेलेबल आता है, लेकिन जो नया जो मेरे वीडियो देख के आए तो उनको सबसे पहले आना है यहाँ पर से काइन मास्टर को प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कर लेना है तो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर से इसको डाउनलोडिंग मैंने करके रख चुका हूँ तो हम लोग ओपन करते हैं। और काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट ऐप है। तो जितने भी नया यूट्यूबर है और जो नया कुछ एडिटिंग में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उनका यूज करने वाला ऐप होता तो वह काइन मास्टर ही होता। तो काइन मास्टर में बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटिंग होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो हमने अपना काइन मास्टर को ओपन कर लिया और देखिए बाकी जो मैंने जितने भी वीडियो एडिट किया हूँ सब मेरे काइन मास्टर से और मैं इसी से वीडियो एडिट करके और अपलोड करता हूँ। तो चलिए हम लोग आपको बतलाते हैं। तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा क्रिएट न्यू है और इसका काइन मास्टर का ट्यूटोरियल टिप्स है और इसका सेटिंग वगैरह है और भी कुछ है। तो आपको प्रीमियम यूजर भी है तो प्रीमियम यूजर मतलब क्या हो गया और जितने भी प्रीमियम लेंगे उनको काइन मास्टर में जो उसका वाटर मार्क होता है वो आपको दिखने के नहीं मिलेगा और इसमें कुछ नया फीचर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर से आते हैं क्रिएट न्यू पर और क्रिएट न्यू पर आने के बाद देखिए आपको कौन सा रेशियो में वीडियो को बनाना है तो आप लोग यहाँ से वीडियो को रेशियो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप जो भी रेशियो में चाहते हैं बनाने है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर 16:9 है और 9:16 है, 1:1 है और 4:3 है। तो आपको जो सा भी रेशियो चाहिए यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 16:9 रेशियो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर से नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं इसमें मेरा जितने भी गैलरी में वीडियो फोटोज है सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको सबसे पहले वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए पहले आपको एक बैकग्राउंड लेना पड़ेगा जिस बैकग्राउंड में इसको आप अटैच करना चाहते हैं। तो आप लोग चाहे तो उसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसको डाउनलोडिंग कर लेते हैं। तो मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया हूँ जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं और यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। तो वीडियो आपको कितना देर के है आपको यहाँ पर से देख लेना। तो 4 सेकेंड का मेरा फोटो है तो मैंने 4 सेकेंड आप फोटो के बदले वीडियो या कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने फोटो पर ही अपना वीडियो लगाना था, हम लोग फोटो के ले लिए। तो इसका ये 4 सेकेंड का है तो हम लोग इसको कुछ बड़ा कर लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से स्क्रॉल करते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर से कर लेना है जो भी आपको करना है। तो चलिए हम लोग इसको 1:17 का ही रहने देते हैं और यहाँ पर से आते हैं फर्स्ट नंबर में और आपको लेयर वाला सेक्शन दिख रहा है मीडिया का जो नीचे है आपको लेयर में आते हैं और आपको सबसे फर्स्ट में दिख जाएगा मीडिया इफेक्ट स्टिकर टेक्स्ट और हैंड राइटिंग। तो आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको मीडिया टूल पर आना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मीडिया टूल पर आते हैं और जो भी आपको लेना है उसका आप लोग वीडियो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो वीडियो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम बताते हैं कि क्या करना है। उसका भी आपको वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसको सबसे पहले आपको एक रंग का करना है। तो जैसे ग्रीन हुआ तो आपको ग्रीन बैकग्राउंड करना है। आपको उस कलर का आपको शर्ट या कुछ कपड़ा नहीं पहनना जो आपने शरीर में पहना है। तो आपको वहाँ से उसका अपोजिट आपको कलर यूज करना है। तो जैसे मेरा जो ग्रीन है तो मैंने ग्रीन नहीं इसमें रेड शर्ट पहना है तो उसमें चेंज करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप व्हाइट भी ले सकते हैं और भी कोई कलर, लेकिन जो कलर को आपको चेंज करना है उसका अपोजिट आपको उसमें कपड़ा यूज करना पड़ेगा या पहनना पड़ेगा। तो आप लोग अपने अनुसार इसमें बैकग्राउंड यूज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर से आते हैं। देखिए यह मेरा वीडियो है जिसको मैंने कुछ दिन पहले इसको रिकॉर्डिंग किया था ग्रीन बैकग्राउंड पर। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पर इतना साइज इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पर से डन कर देते हैं। तो यह मेरा वीडियो 2 मिनट का है लेकिन मैंने 1 मिनट का ही इसमें टाइमिंग लिया। तो चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ आपको हम दिखाना है। तो यहाँ पर से शुरू में जो इसका स्टेप है हम लोग उसको कट कर देते हैं और कट करने के बाद यहाँ पर से हम लोग कर देते हैं और फर्स्ट में इसको हम लोग कर देते हैं और हम लोग यहाँ पर जो वीडियो है और जो मीडिया मेरा टूल है तो हम लोग उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है क्रोमा की। तो वीडियो
को बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको क्रोमा की क्या यूज़ करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर से कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। और जैसे ही मैंने क्रोमा की मैंने यूज़ किया, तो जैसे देखिए आपको भी यहाँ पर से वीडियो यहाँ पर से इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो चुका है, लेकिन बैकग्राउंड आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर से इसका कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर से इसको हम इतना पर ले आते हैं। तो देखिए मैंने इसको परफेक्ट सेटिंग कर दिया और यहाँ पर से इसको हम लोग कर देते हैं। और देखिए हमको यहाँ पर से, तो चलिए हम लोग इसको पहले साउंड को कम कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पर से देखिए हम वीडियो चलाते हैं, और वीडियो चलाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मेरा कुछ और बैकग्राउंड है, लेकिन वीडियो में कुछ और बैकग्राउंड है। चलिए हम इसको छोटा कर लेते हैं और छोटा करने से सही कर देते हैं। और देखिए आप लोग यहाँ पर से मेरा वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से इसमें चल रहा है, और वीडियो का बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है। तो आप लोग अपने हिसाब से जैसा भी करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर से आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, और इसमें जहाँ भी आपको फिट करना है आप नेचुरल चाहे कहीं भी ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर से आके आराम से कर सकते हैं, और इस ऐप से बहुत ही अच्छा इसको बैकग्राउंड एडिट होता है। बैकग्राउंड को आप एडिट कर सकते हैं और इसको साइड करके बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड इसमें यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज करने के लिए, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या कुछ भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा कैसा वीडियो चाहे या किस तरीके का वीडियो चाहे। तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस अनुसार हम आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे जो आपको पसंद आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।